नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं जीवन से संवाददाता छोटू बातक, जो कि यहां पर दिखाया जा रहा है कि पूरा मेन बाजार बंद पड़ा है और देखा जाए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर काफ़ी भयंकर भीड़ लगी हुई है। इस पर पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, जबकि भारत में कोरोना जैसी महामारी से पूरे भारत में हाहाकार मची हुई है। यहाँ पर देखा जाए तो पूरी मेन मार्केट बंद पड़ी हुई है। ग्राम पंचायत छीमक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लोगों की लगी भीड़। नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। राजू ने बताया है कि हम लोग दो दिन से परेशान हो रहे हैं, अभी तक पैसा नहीं निकला है और यहां पर पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। जब भी भयंकर भीड़ लगी हुई है और कोरोना जैसे महामारी फैली हुई है और पूरे देश में हाहाकार मची हुई है। रज्जो भाई ने बताया कि हम पैसे निकालने दो दिन से परेशान हैं और बैंक मैनेजर बोल देता है कि आपका खाता बंद है, इसलिए पैसे नहीं निकल रहे हैं। जबकि ज्यादातर लोगों के खाते बंद बताने वालों की भीड़ अधिक देखी जा रही है। जब मीडिया की टीम बैंक पर पहुंची और लोगों से पूछा कि पुलिस की व्यवस्था नहीं है, तब जाकर बैंक कर्मी ने फोन कर एक पुलिस वाले को बुलाकर लाइन लगवाई और 1 मीटर की दूरी बनवाई और मुँह से मास्क लगवाए। छीमक संवाददाता छोटू बाथम की रिपोर्ट। कहाँ से आए हो? कोसा से। कोसा से काहे के लिए आए हो? पैसे निकालने साहब। पैसे निकले आपके? नहीं निकले। क्या बोल रहे हैं? खाता बंद हो चुका है तुम्हारा। फिर अब कुछ नहीं कह रही हूँ ना, थोड़ी बात मिल जाएंगे तो ठीक है। यहाँ पे जो भीड़ लग रही हो उसमें शामिल आप भी हो, क्या बोल रहे हैं? भीड़ हटा रहे हैं कि नहीं? क्या तो रहे, हट जाओ दूर, अलग अलग हो जाओ। कितने दिन से परेशान हो रही हैं जो पैसे निकालने के? दो बार आ चुके। फिर कह रहे हैं खाता बंद है, तुम्हारा खाता बंद है तो चालू करने की बोल रहे हैं? अरे तो कुछ नहीं बोली उसने, कहा आप बैठ जाइए। अच्छा, भीड़ लग रही है, इससे आप बचाव कर रहे हो? नहीं, अभी यहाँ पे जो भीड़ लगी थी आप थे उनमें? कैसे निकल गए आपके कि नहीं निकले? कितने दिन से आ रहे हो? पहले महीने आए थे, पहले नहीं निकले थे, अभी आ रहे हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल।